देखिए गोश्त अच्छा तरीके से पका है गोश्त। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सभी को स्वागत करता हूँ विलियस किचन डी में। आज मैं फ्राई करेंगे फुल मुर्गी लेके आया, लेके आके काट करके साफ करके रखा था। अभी इसको अच्छा से फ्राई करेंगे, तो आप लोग बने रहिए हमारा वीडियो के साथ। इसको फ्राई करके खा के आप लोगों को दिखाएंगे। तो फ्राई करने से पहले मसाला मिक्स कर देंगे इसमें। मसाला मिक्स करने के लिए मैं लाया हूँ कॉर्नफ्लावर देना ज़रूरी है। इसमें डाल देंगे थोड़ा कॉर्नफ्लावर डालने के बाद डालेंगे थोड़ा नमक, एक अंदाज़े से नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद डाल देंगे मिर्ची पाउडर, इसमें तेज थोड़ा कम रहता। फिर डालेंगे 1 टीस्पून डाल देंगे हल्दी पाउडर, जीरा का पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाला डालने के बाद डाल देंगे इसमें 2 अंडा तोड़ के डाल देंगे। 2 अंडा डालने के बाद डाल देंगे नींबू डाले तो खट्टा लगेगा, खाने में अच्छा लगेगा नींबू। नींबू डालने के बाद इसको अच्छा तरीके से मिक्स कर लेंगे। चिकन पहले साफ करके रखा था, इसमें चिकन अभी ऐड करने, मसाला मिक्स कर देंगे ऊपर, चिकन के ऊपर मसाला लगा देंगे, अच्छा तरीके से मसाला लगा देंगे। बस मैं मसाला लगा दिया, अभी इसको रेस्ट में रख देंगे 10 मिनट के लिए। जिंजर गार्लिक पेस्ट था लेकिन भूल गया था, कोई बात नहीं, अभी जिंजर गार्लिक पेस्ट उसके ऊपर फिर लगा देंगे। तो 2 टांग है ना, बांध लेंगे तार से, क्यों अगर नहीं बांधे तो 2 टांग 2 तरफ चला जाता, इसलिए टांग को अच्छा तरीके से बांध देंगे। मसाला पकड़ते पकड़ते मैं चूल्हा में आग लगा देंगे, चिकन उधर मैरिनेट होते होते मैं चूल्हा में आग लगा देंगे। चूल्हा में आग लगाने के लिए मैं कढ़ाई लाया हूँ, कढ़ाई बैठा देंगे, बस कढ़ाई बैठा दिया, अभी चूल्हा में आग लगा देंगे। चूल्हा में आग लगाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लकड़ी का आग है ना, कोई बात नहीं। तो बस कढ़ाई गर्म हो गया, मैं इसमें कढ़ाई में तेल डाल देंगे। तो बस कढ़ाई का तेल गर्म हो गया, अभी चिकन डाल देंगे। आग ज़्यादा तेज नहीं देना, थोड़ा कम तेज लगा देंगे, तेज देंगे तो पर काला हो जाएगा। अभी पलट देंगे इसको, पलट हो गया। फिर और एक बार पलटा लेंगे, और एक बार इस साइड ज़्यादा पकाना, इस साइड गोश्त है ना, हड्डी और साइड है, माशाल्लाह पक रहा है, पक लो।
तो गाइस हमारा फ्राई बनकर तैयार हो गया, अभी उठा लेंगे कढ़ाई से प्लेट में। वाओ क्या बात है, देखिए कितना अच्छा ज़बरदस्त बनाए, देखिए गाइस कितना अच्छा ज़बरदस्त बनाए, देखिए 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 चारों तरफ अच्छा तरीके से पका है, अच्छा तरीके से चारों तरफ पका है। वाओ क्या बात है, इसके ऊपर डाल देंगे नींबू का रस, नींबू का रस इसके के डाले तो इसके ऊपर खट्टा लगेगा, खाने में बहुत अच्छा लगता। नींबू का रस डालने के बाद ऊपर डालेंगे प्याज, वाह कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। तो पहले मैं टेस्ट करके देखता हूँ, देख के आप लोगों को बता रहा हूँ, पहले खा के देखूंगी कैसे हुआ। देखिए गोश्त अच्छा तरीके से पका है, गोश्त है पकड़ने से पहले छीड़ गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। वाह तो गाइस बहुत ज़बरदस्त हुआ खाने में, बहुत टेस्टी हुआ खाना के खाने में। आप लोग भी मेरा वीडियो देखिए, देखकर आप लोग भी घर में बनाइए और खाइए, इंजॉय कीजिए। ऐसा ऐसा नया वीडियो आप लोगों के पास लेते आते रहेंगे, फिर मिलेंगे अगला वीडियो पर। अस्सलाम वालेकुम।